वृंदावन धाम से राधे श्याम। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे नए व्लॉग में। तो अभी हम जाने वाले हैं मंदिर दर्शन करने और ये बहुत रैंडम व्लॉग है, लाइक कुछ मेरे व्लॉग्स हमेशा कुछ प्री डिसाइड नहीं होते कि आज यहाँ जाएंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे जैसे जैसे होगा, क्योंकि धाम में तो एक नया दिन ही ऐसा होता है, बिल्कुल नया दिन होता है एकदम, तो कुछ भी सेम नहीं होता। तो आज हम जाने वाले वेलकम मंदिर जाएंगे, ठीक है। उसका एक प्रोजेक्ट कॉल आया था जो कि मेरे वृंदावन धाम में सबसे फेवरेट रूल है, तो आज आपको उनसे मिलवाएंगे। वो पहले भी व्लॉग में आ चुके हैं हमारे, तो दोबारा जाएंगे आज, तो देखना। जय हो राधे श्याम। और आपके साथ शूट करने वाले हैं, कैसे बताओ आप, बताओ क्वेश्चन आंसर हो जाए फिर आज, आज करते हैं शाम को। चलो ठीक है, ओके टाइम आप बताओ। इधर शाम बहुत जल्दी होती है तो 2-3 बजे निकलते हैं। तो मेरे चैनल पे या फिर लंबा वीडियो आपके चैनल पे, शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल, डन। तो जो मैं आपसे कह रहा था ना कि मेरे वृंदावन में एक बहुत फेवरेट प्रभु जी है, मतलब जिनके वजह से मैं वृंदावन में हूँ, मैं इस बात को मान सकता हूँ, तो हमारे रघुनाथ प्रभु। हरे कृष्णा। तो आपने इनको पहले देखा होगा शादी वाले ब्लॉग में, वो बहुत लाइक वायरल हुआ था, तो उसमें बहुत सारे मुझे मेरे से क्वेश्चन पूछे थे लोग कि हमें शादी करवाएंगे तो हमारे रघुनाथ प्रभु जी आएंगे। तो हर बार मैं उन्हें प्रभु जी की प्रोफाइल भेज देता था। तो प्रभु जी मतलब आपको, मतलब जब ऐसा वो इंसिडेंट हुआ था, है ना, बोला इंसिडेंट हुआ था कि जब ऐसा कुछ हो रहा था कि मुझे वृंदावन से जाना पड़ सकता है, ठीक है, तो मुझे आज भी याद है उस दिन मैं रात को आई थिंक 10-10:30 बजे पर प्रभु जी के घर पे आया था मैं, ठीक है। तो प्रभु जी ने एक चीज़, मतलब आपने एक चीज़ बताई थी, वो ना मैं आज तक कभी दिल से निकाल नहीं पाया। प्रभु जी ने मेरे से कहा था कि धाम में ना पैसा मैटर नहीं करता, धाम में कृपा मैटर करती है। प्रभु जी ये बात तो हमने समझ ली। और ना मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे ना मैंने अब जैसे मेरी वीडियो वायरल गई थी, उस पर 1 लाख व्यू है इंस्टाग्राम पे, कि किसी ने मेरे से धाम रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे कि आप वृंदावन आप कैसा हुआ। मैं तो कहता कि ये मेरे माँ बाप की कृपा है, मतलब ठाकुर जी की कृपा है, श्री जी की कृपा है, और मेरी मेरे में इच्छा थी जबरदस्त वाली कि भाई मेरा यही है घर वृंदावन छोड़ जाओगे कहीं। तो आप इसी को कैसे इलैबोरेट करना, क्योंकि आप भी आपने बताया था कि जब जब प्रभु जी आए थे इनकी जेब में सिर्फ 1000 रुपये थे और जिस जो बैग लेकर आए थे वो बैग चोरी हो गया था। फिर उसके बाद मतलब ऐसा क्या हुआ? नहीं सी, जब मैं वृंदावन आया था तो मैं एक ही डिजायर से आया था कि आई विल नॉट गो बैक नो मैटर व्हाट। तो व्हेन यू आर कमिंग विद दैट कन्विक्शन टू वृंदावन, देन यू विल डेफिनेटली, डजंट मैटर हाउ मेनी ऑब्स्टेकल्स आर कमिंग ऑन योर पाथ, यू विल, इट विल नॉट बॉदर यू, इट विल नॉट अफेक्ट यू, एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ लेकिन मेरे पास एक कृपा थी कि मेरे पास एक कुरुम रूपा प्रभु थे, बड़े सीनियर वैष्णव थे जो केयरफुल काउस के फाउंडर थे। हाँ हाँ। तो उन्होंने एक बात बोली थी मुझे, मैं एक बात बोली थी मुझे कि जब तक एक पैर स्टेबल ना होना रघुनाथ रोहित कर्मी नेम रोहित है, डोंट पिक अप अनदर वन। तो मैं गुरुकुल में सेवा लेकर ही आया था इसीलिए, ठीक है, मतलब मैं आउट ऑफ सेंटीमेंट्स वृंदावन 3 साल पहले आ सकता था, 4 साल पहले नहीं, 5 साल पहले आ सकता हूँ, व्हेन फॉर द लाइक फॉर फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम टू वृंदावन इन 2005। बल्कि मैं तो बोलूंगा कि मैं वृंदावन के नाम से इनिशिएट हुआ था, यानी कि मेरे बचपन में मेरी ग्रैंड माँ कितनी बार बोलती थी कि वृंदावन धाम, वृंदावन में वृंदावन जा रही हूँ। मेरी दादी माँ हर साल यहाँ पे 2 बार आती थी और कम से कम 20-20 दिन के लिए आया करती थी। मैं दादी माँ बस मैं शिक्षा गुरु बोलता हूँ, ठीक है। तो मुझे कभी भी ये वृंदावन सुना तो बहुत बार था, कृष्णा बुक में भी देख लिया, हर जगह देख लिया, लेकिन एक बार मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और बैठे बैठे किसी ने बोला वृंदावन, मेरे कान एकदम से उसने मुड़े, वो कुछ बता रहा था, मुझे नहीं पता उसे क्या बताया क्या नहीं बताया, लेकिन आई हर्ड दैट वर्ड वृंदावन। आई पर्सनली फील दैट दैट वाज द फर्स्ट टाइम मे बी इन माय लाइफ आई हैड एक्चुअली हर्ड द नेम ऑफ वृंदावन। क्या बात, इट आल्सो मींस दैट यू नो वी आर चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र सो मेनी टाइम्स, बट वी नीड टू चैंट वन शुद्ध नाम टू गेट लव ऑफ गॉड, राइट। मे बी दैट वॉज द डे आई हर्ड द शुद्ध नाम ऑफ वृंदावन फ्रॉम द माउथ ऑफ दैट पर्टिकुलर वैष्णव। And I will never forget, like, you know, although he was an office colleague, I don't even like remember who was he, what were they talking about, I have no idea about it. I heard Vrindavan, that was Friday morning, I called a friend of mine,
वेयर आर यू? ही सेड आई एम जस्ट गोइंग ऑफ टू स्लीप. आई सेड सो जा, कल सैटरडे मॉर्निंग है, वी विल बोथ गो टू वृंदावन. एंड दैट्स हाउ आई केम टू वृंदावन फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड दैट टाइम ओनली आई डिसाइडेड दैट आई विल नॉट लीव वृंदावन, आई विल ऑलवेज लीव इन वृंदावन. मे बी नॉट टुडे, टुमारो, इवेंचुअली, ग्रेजुअली, लेट्स सी व्हाट विल हैपन. And that's just, you know, we got, I got the mercy of Srila Prabhupada. Mm-hmm. And Prabhupada ki kripa se hi mujhe jo hai Vrindavan vas mila. So Vrindavan jo hai, it's definitely everybody says it's a state of consciousness. Yeah. Mahaprabhu kehte hain mora man Vrindavan. Definitely it is true. Okay, but we need to also understand ki to make your heart Vrindavan, you have to come and live in Vrindavan to experience Vrindavan. What stays in your heart, what you see, what you experience, like you know, if I say, मैं जब एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि गुलाब जामुन खाया है, ओह इतना रसीला होता है गुलाब जामुन, वो रसीला क्यों है? Because you have experienced गुलाब जामुन, you have tasted गुलाब जामुन, you've seen गुरु गुलाब जामुन. So when you taste Vrindavan, when you experience Vrindavan, when you serve Vrindavan, when you experience Vrindavan, and when you get the mercy of the Vaishnava Acharyas, then only your heart will be able to become Vrindavan. And then no matter where you're going, where you're staying, your heart will always be fixed in Vrindavan. क्या बात है रूबी जी, मतलब ये मुझे अभी आपने एक बात पे एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जब मैं वृंदावन आया था तो मैं ये सोच के आया था कि मैं कभी जिंदगी में वापस नहीं जाऊँगा, वापस नहीं जाऊँगा, ठीक है. और जब मैंने यहाँ पे जब मेरे सब इंसिडेंट हुआ तो मैंने जब बोला कि श्री जी आज मेरे को भी नहीं अब कहीं जाना, मेरे को रख लो, मुझे मुझे आज भी याद है मैं राधा श्याम सुंदर के सामने ये मैं बताने नहीं चाहता, बट आप रोजे साथ बैठो तो बता रहा हूँ. फिर मैं 2 घंटे रोया था जब मैं सदाई, क्योंकि जेम में गुरपानी जहाँ रह रहा था उन्होंने भी घर से निकाल दिया, वृंदावन धाम में ही देख लो कितने टेस्ट प्रभु जी. तो मेरे को भी एकमात्र रास्ता दिखा प्रभु जी की शरण है. मैंने कहा चलो भाई, दस सदी में रात को आया, निताय प्रभु लेके आ रहे हमारे. पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि यू कुड हैव रियली इजीली स्टे विद मी. और मैंने ये बोला था धाम में अगर सेवा चाहिए तो सेवा भी मैं दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा. लेकिन डेफिनेटली धाम में रहने के लिए कृपा और कन्विक्शन, ये 2 K बहुत जरूरी है. मतलब सी ऑफ कोर्स कृपा कैसे होता है, कन्विक्शन सी से होता है. बट अगर देखें तो कन्विक्शन का मतलब आपके अंदर जो है ना किसी का डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि नो मैटर व्हाट आई एम नॉट गोइंग टू लीव द शेल्टर ऑफ माय वृंदावन. यू नो वृंदावन इज एन ऑल्टर, वृंदावन इज जस्ट लाइक वृंदावन इज एन ऑल्टर, वैसे वृंदावन धाम भी है, वृंदावन भगवान का घर भी है. और अरिंदर भी बोलते थे कि वृंदावन एक माँ की तरह है, जैसे माँ के गोदी में बैठ के बच्चा प्यूक करता है, शिट करता है या पी करता है, माँ कभी उसको बच्चे को छोड़ती नहीं है. उस जगह अगर हमारे कुछ अनर्थों की वजह से, हमारे कुछ पुराने कर्मों की वजह से अगर वृंदावन में रह के कोई गलत काम करते भी हैं, है ना, और अगर वृंदावन की शरणागत हैं हम लोग, तो वृंदावन हमें पार लगा देगा. वृंदावन हमको इतनी कृपा दे देगा कि हमें कभी भी इतना ज़्यादा टेंशन में रहने की जरूरत नहीं है ना. ऑनर से जो है वो टाइम के साथ चले जाएंगे. यू नो जितने भी अपराध करने की जो मानसिकता है वो भी टाइम से चली जाएगी. कई लोग वृंदावन में नहीं आते कि अरे मुझसे अपराध हो जाएंगे, तो आपको सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि अगर आपने वृंदावन में आके अपराध करे हैं तो उनका निवारण भी वृंदावन में ही होगा. क्योंकि आपने एक अपराध वृंदावन में किया तो वो 1000 गुना हो गया. अब 1000 गुना अपराध पूरे करने के लिए अगर आप वृंदावन से बाहर जाओगे तो कितने एफर्ट्स करने पड़ेंगे. यहाँ पर एक छोटा सा एफर्ट्स करोगे वो भी 1000 गुना के बराबर होगा. तो तभी इस तरीके से वृंदावन में करे हुए अपराधों का निवारण भी वृंदावन में ही होता है. और डेफिनेटली अपराध करने की टेंडेंसी होती है, और अगर हम वृंदावन धाम की शरण लें, यहाँ के आचार्यों की शरण लें, वैष्णवों की शरण लें और गुरुवर की शरण लें, तो डेफिनेटली वी कैन ईजीली ओवरकम ऑल दैट. तो ये देखना पड़ेगा कि वृंदावन में आप किस मूड से आ रहे हो. अब मुझे क्वेश्चन है किस मूड से आना चाहिए. हाँ, तो मूड जो है वो डेफिनेटली राधा दास्यम होना चाहिए कि मुझे राधा रानी की जो है सेवा को प्राप्त करना है. फिर हम बहुत, मैं तो बहुत नीच अधम हूँ, मैं तो बहुत पापी हूँ, फिर मुझे जैसे कर रखा है, मुझे बुलाया गया. ये तो बोल सकता है, लेकिन दूसरा बोलेगा तो शायद नहीं कर पाएगा. मैं कर लूँगा बर्दाश्त. तो ये थे हमारे रघुनाथ प्रभु, जो कि मुझे मैं 3-4 साल हो गए ना उसे मैं जानता हूँ. आज तो फ्रेश प्रभु जी की तरफ से जब चपाती हरे कृष्णा आदे तभी रोटी है. तो गाइस यहां तो बच्चे भी फैन निकले. बच्चों कौन सी वीडियो देखी थी मेरी द्वारा? वो बहुत सारी वीडियोस देखी है भर भर के. अरे भर भर के देखी है. अरे एक कोई एक जो वीडियो याद हो कौन सी वाली? मैंने भी देखी है. अभी शादी
शादी वाली जो इनके पापा के साथ बनाई थी वही वाली वीडियो देखी तुमने। और आपको कौन सी वीडियो पसंद है बोरा? मुझे भूत वाली और राक्षस वाली। राक्षस वो तो मैंने कोई बनाई नहीं, भूत वाली राक्षस वाली। तो ये कौन सी देख रही फिर आपने मेरी वीडियो है? इसे दिखाइए कुछ वीडियोस को जैसे पता याद नहीं है। याद नहीं से छोटा बच्चा भी है। चलो बाय कर दो सबको, बाय। आगे बोल दो, आगे मिलते हैं। चलो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक सब्सक्राइब वीडियो, सब्सक्राइब कर दो वीडियो, फिर हम दिवाली बनाएंगे मस्त मस्त, खिलौने बनाएंगे, छुटली बम भी फोड़ेंगे, रॉकेट भी फोड़ेंगे। चलो आज हम खेल रहे बच्चों के साथ रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी। ये देखो बाय के जारी, बाय बाय। हाँ ले रहा हूँ ले रहा हूँ ले रहा हूँ। बाय, हरे कृष्णा। पहले तो खुद फोन कर दिया, फिर खुद ही लेट हो गए। मतलब व्हाट इज दिस बदतमीजी तू जी? मैं जाने के लिए तैयारी कर रहा था इसलिए थोड़ा लेट हो गया, कुछ सामान वामान कर रहा था इसलिए। और अच्छा तो गाइस हम अपनी बातें अमल हो चुके हैं बिल्कुल फाइनली। हाँ, तो जो हमने सुबह बोला था वो आज हम शाम को कर रहे हैं। हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं जिसमें हम रैंडमली लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे कि अबाउट वृंदावन। यस, अबाउट श्रीमती राधा रानी। हाँ, वृंदावन से क्यों अट्रैक्ट हुए, आपके आने का मोटिव क्या है, मतलब इसका। ये तो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ बट इसका जो प्रॉपर वीडियो आएगा वो इससे अगला होगा, लाइक ब्लॉग का अगला ही होगा। तो आज हम शूट कर रहे हैं तो चलते हैं, कुछ अगर हमें कुछ अच्छा मिलेगा तो। तो गुरु जी वो कौन से क्वेश्चन होने वाले जो हम लोगों से पूछने वाले आज? बहुत सिंपल है, 5। राधा रानी का जन्म कहाँ हुआ था, राधा रानी के माता पिता का नाम क्या है, वृंदावन का मतलब क्या है, और कृष्ण और कंस में क्या कनेक्शन था, और कंस कौन से जगह का राजा था। हाँ तो यहाँ चुकी है पूरी वीडियो की ऐसी की तैसी, क्योंकि मेरे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा पब्लिक स्पीकिंग का। ठीक है, मैं बोलूँ मैं ऐसे ही, मतलब ऐसे ही समय रैंडम में जाके नहीं पूछ सकता, अरे बताओ। तो फिर सॉरी गाइस, मैं वीडियो नहीं आने वाला। राधे राधे बोलो, राधे राधे। राधा रानी के 5 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 5 इजी क्वेश्चन में राधा रानी। मोए मोए, ये लो ये पकड़ो। हाँ बताइए। अरे आओ आओ, शॉपिंग बस करो अंकित अनुजा। तो ब्लॉग बनाते वक्त हमारे कुछ मित्र हैं मुंबई के, जो कि आज वृंदावन से जा रहे हैं मुंबई वापसी। तो मुझे वो जानना उनका एक्सपीरियंस कि वो कैसा फील कर रहे हैं कि गाइस आप लोग शर्मा गए। तो मतलब कैसा फील कर रहे हो आप वृंदावन से, आप जा रहे हो आज, मतलब कैसा फील हो रहा है? एक्चुअली दिस इज माय फर्स्ट टाइम वृंदावन। रियली? यस, पहली बार। अभी बहुत बुरा तो लग ही रहा है, मैं तो सोच रही थी काश टिकट कैंसिल हो जाती और मैं फर्स्ट टाइम और जाती यहां पे। बहुत मुश्किल से टिकट बुक हुई थी। हम कितने लकी हैं ना, लाइक स्पेशली मैं। चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं। आज का पूरा दिन इतना बिजी गया मैं बता नहीं सकता।
सुबह पहले तो मंदिर चले गए, फिर दर्शन करके फिर रंगा प्रू के घर, रंगा प्रू से घर होके फिर गुरुजी के सामने वीडियो बनाई, और फिर उसके बाद हम जब घर पे आए एक घंटे का रेस्ट करा था, फिर उसके बाद भी हम चले गए। अब जैसे मैं ना अभी मंदिर जा रहा था, ठीक है, अभी मैं सोच रहा था कि जाऊँगा मंदिर, थोड़ा ब्लॉग वगैरह कर लूँगा जैसे भी होगा। मैं रास्ते में जा रहा हूँ, पीछे से मोहित आता है मेरा दोस्त, कहता है भाई हम एक दोस्त के घर कीर्तन करने जा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर प्रसादम भी है। अब मैं कहा चलो भाई चलो, फिर क्या पूछना, क्या यहाँ पे कीर्तन है प्रसाद है, चलो फिर। तो ये था हमारा कुछ आज का व्लॉग। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा पता है? और मुझे पता है जो बातें रघुनाथ तुमने करी हैं वो तो भाई मैं तो कभी भूल नहीं पाऊँगा, और आपको भी उस बात से, बस बात से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए मैंने वो बात छेड़ी वहाँ पे, वरना मैं तो वहाँ पे कीर्तन के लिए गया था। बट अब जैसे जैसे बात होगी करनी तो थी मेरे को कभी ना कभी। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, प्लीज़ लाइक।